तो 30 गांव में पटना जिले के दो ब्लॉक के 30 गांव में जो अध्ययन किया गया इसका जो रिपोर्ट है और उसकी जो व्याख्या है यह आपने अभी सुना। अब ये जो फॉर्मेट है इस सत्र का, इसमें 3 डिस्कशन हैं। नॉर्मली ऐसे डिस्कशन स्टडीज के ऊपर जब भी डिस्कशन रखे जाते हैं यानी जो टिप्पणी कार्ड होते हैं उनको रखा जाता है, तो उसका मकसद ये होता है कि जो अध्ययन हुआ उसकी जो पद्धति थी मेथडोलॉजी है इसके ऊपर या तो कमेंट किया जाता है या जो फाइंडिंग्स हैं इसकी जिस तरह से व्याख्या की गई उसको लेकर के या तो टिप्पणी की जाती है या ये जो फाइंडिंग्स हैं इनका महत्व क्या है उसके बारे में। और इस सत्र में खास तौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये अध्ययन किया गया है और इस अध्ययन के बाद इन गांवों में सीएसपी की ओर से कुछ हस्तक्षेप किया जाएगा, इंटरवेंशन किया जाएगा ताकि सारी के सारी जो लड़कियां हैं जो कि स्कूल के दायरे से बाहर चली जाती हैं या तो इनरोल नहीं होती हैं या वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं, तो सारी लड़कियों को वापस स्कूल में लाया जाए, इसके लिए एक इंटरवेंशन का प्लान है। तो स्टडी भी उसी इंटरवेंशन प्लान का हिस्सा है, इसीलिए मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि जो डिस्कशन है उसमें जो फाइंडिंग्स हैं इसके लिए इसका उस इंटरवेंशन के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है इसके बारे में भी प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर टी एम दिवाकर को, हमारे पास 10 मिनट का समय है हर एक डिस्कशन के। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। अध्यक्ष जी ने कुछ राइटर्स लगाए हैं तो उस राइटर्स के साथ चलूँगा, वैसे कुछ लिबर्टी भी लूँगा क्योंकि टिप्पणी आइसोलेशन में नहीं होता है, उसे संदर्भ के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो उस लिहाज से कुछ बातें रखूंगा। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था और अपने संदर्भ को बारीकी से रखने की कोशिश की, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन आप A.N.Sinha इंस्टीट्यूट के सभागार में हैं तो इसलिए आपको कुछ फीडबैक भी दूंगा और जिसके लिए आपने मुझे यह मौका दिया है। पहली बात की आपने शुरुआत ही की कि ये सुविधा का प्रतिदर्श है, आपको फतवा और बेहटा सुविधा के लिहाज से बेहतर लगा इसलिए आपने किया। मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो विभिन्न जिलों का जो प्रति व्यक्ति आमदनी है उसमें पटना की आमदनी 63,000 प्रति व्यक्ति है और शिवहर का 7,000 प्रति व्यक्ति है और मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वो 10,000 के नीचे है। इसीलिए आप अगर केस स्टडी के तौर पर पटना का करना चाहते हैं तो और जिसमें आप आमदनी और बाकी उसके रोजगार और बाकी साधनों से जोड़ के देखना चाहेंगे तो शायद बिहार के बारे में इससे अनुमान लगाना कठिन होगा। ये दोनों ब्लॉक भी रिचर ब्लॉक हैं और दूसरा जो एक तो वो पहला था, दूसरा कि एक जो भूगोल में एक सिद्धांत है सैंपल चुनने का कि हेडक्वार्टर्स के यूनिलेटरल जितना नजदीक और जितना दूर होता है उसका संबंध भी विकास और मुख्यालय से जो उसके कार्यान्वयन के संबंध होते हैं उससे भी बढ़ता है। उस लिहाज से भी बेहटा एक बहुत बड़ा हब होने जा रहा है, अदरवाइज सबका ध्यान बेहटा पर है और फतुहा तो ऐतिहासिक जगह है गांधी जी के समय से अब तक का, इसलिए इन लिहाज से अगर आप देखेंगे तो माफ करिएगा, यह नमूना केस स्टडी के तौर में महत्वपूर्ण है लेकिन यह बिहार को किसी माने में रेखांकित नहीं करता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम गैप्स की बात कर रहे थे तो उस गैप्स के संदर्भ में भी बिहार ने बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई, बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं, वो चाहे साइकिल पोशाक की हो या उनके स्कॉलरशिप की हो या अन्य तरह से, अब तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की भी बात अब रिसेंटली की जा रही है, टेक्स्ट बुक के उसके मूल्यांकन का सवाल हो,
शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में बच्चे समय कैसे बिताते हैं, टाइम ऑन टास्क की बात हो, ट्रैकिंग का सवाल हो, इन मामलों पर कई बिहार सरकार ने हस्तक्षेप भी किए और संजोग की बात है कि A.N.Sinha इंस्टीट्यूट ने उस पर अध्ययन भी किया है। उन अध्ययनों का कुछ उल्लेख भी है, अभी समय नहीं है, बाद में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं इस पर में। इस पिछले 5-7 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में A.N.Sinha इंस्टीट्यूट ने कुछ मौलिक काम किए हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है कि वह एक शिक्षा के बहस को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। जहां तक गैप्स का सवाल है, उस मामले में भी 2-3 अर्थ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि हम बिहार को देखना चाहते हैं और शिक्षा, यदि हम शिक्षा की बात करना चाहते हैं, तो शिक्षा कभी भी मात्र अल्पकालिक प्लानिंग नहीं होता है, ये सही माने में एक दीर्घकालिक प्लानिंग होता है जिसके अल्पकालिक पूरक होते हैं। और 2050 में बिहार की आबादी 20 करोड़ होने वाली है। 30% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का अगर आधार आप बना दें तो 6.6 करोड़ करीब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होंगे, और उनको अगर आधारभूत संरचना से जोड़ा जाए तो अभी के जो आधारभूत संरचना है वो 1/3 है, तो उस लिहाज से भी समझने की आवश्यकता होगी अगर प्लानिंग की बात करना चाहते हैं। एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि जिनके पास में जमीन नहीं है और जिनके पास में काम नहीं है उनके घर में ड्रॉप आउट अधिक है, जाहिर सी बात है। बिहार इस बात से अवगत है कि बिहार में एग्रीकल्चर एग्रेरियन रिफॉर्म्स नहीं हुए, हुए भी तो जिस तरह से शुरू हुआ, जहां अटक गया वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा के रूप में रहा है, आज भी वो चिंता का विषय है। मेरी मजबूत प्रस्तावना है कि बिना लैंड रिफॉर्म्स के अगर आप बुनियादी शिक्षा की बात करना चाहते हैं तो ये बहुत दूर तक आप नहीं ले जा सकते। बाजार के तौर पर ये बात कही जा रही है मजबूती से कि नहीं, चूंकि जमीन नहीं बांट सकते तो अब एक दूसरा आधार यही बचता है कि शिक्षा दे दीजिए तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक्सक्लूसिव और बेईमानी है, इसको थोड़ा ठीक से समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पर हमारा अध्ययन है, लैंड रिफॉर्म्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट हमारी एक किताब है, आप देखें कि जिन जिन बच्चों जिन जिन घरों में जमीनें दी गई है उन घर की बच्चियां स्कूल जा रही हैं, उनके फूड सिक्योरिटी हालत बेहतर हुए हैं और उन घर का जो डिग्निटी और लाइफ का स्थिति है वो बेहतर हुआ है। इसीलिए भूमि सुधार को अंडर प्ले करके नहीं किया जा सकता। उद्घाटन सत्र में आदरणीय दुबे जी ने बात रखी थी और कॉमन स्कूल सिस्टम की बात आई थी, मैं कहूंगा कि दुबे जी की कमेटी जो समय पर रिपोर्ट भी दिया, कोई बहुत क्रांतिकारी रिकमेंडेशन नहीं था, वो डुएबल रिकमेंडेशन था जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को तुम भी जियो करके किया गया था, जिससे कि सरकार को असुविधा नहीं, वो भी नहीं किया गया। जबकि कॉमन स्कूल प्रणाली का जो ढांचा है आज जिस तरह से मुचकुंद जी हमारे बीच अभी अब नहीं है, वो जिस तरह से बोल रहे थे आज, वो उस दिन से अधिक क्रांतिकारी। जब आज वो सार्वजनिक विद्यालयों के द्वारा कॉमन स्कूल प्रणाली की बात कर रहे हैं वो उस रिपोर्ट में नहीं है, तो उस लिहाज से आज अधिक प्रखर दिखते हैं हमको दुबे जी उन 2006 के रिपोर्ट के आधार पर। तो यदि उस प्रस्तावना को ध्यान में लें तो निश्चित रूप से ये आंकड़े मजबूत आंकड़े हैं कि 91% और 94% लड़के और लड़कियां सार्वजनिक विद्यालय में पढ़ते हैं, बिना सार्वजनिक विद्यालय को मजबूत किए नहीं हो सकता। अभी के ही जो स्थिति है उसमें जो जिसको आप स्कूल से बाहर या ड्रॉप आउट कर रहे हैं ये भी अंडर एस्टिमेटेड है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं अंडर एस्टिमेटेड है कि जितने बच्चे इनरोल्ड हैं उन्हें अगर स्कूल में बैठा दिए जाएं तो ऐसी कोई जगह आपके पास नहीं है जहां सारे बच्चे स्कूल में बैठ सकते हैं, वो स्कूल जा नहीं रहे। डाइस का डेटा इस माने में सही डेटा नहीं है, वो इनरोल्ड बता रहा है, उसके आधार पर आप आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट की बात कर रहे हैं। वो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं तो जाने का जो स्वरूप है हमारे पास उसके अध्ययन है, अगर उनके ट्रैकिंग आप करें तो वो बच्चे कैसे समय बिताते हैं, टाइम ऑन टास्क स्कूल का बड़े भयावह चित्र है वहां। पैसिव और एक्टिव लर्निंग का जो स्पेस है वो बहुत ही चिंताजनक है। उस लिहाज से भी अगर देखें
तो ये चिंता की बात है। और वो आंकड़े हो सकता है जब आपके अपने आंकड़े आएंगे सेंसस के उस डेटा से तो सही चित्र आपके सामने आएगा कि कितने बच्चे सही में स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो जो आंकड़े हैं डाइस के ये विश्वसनीय आंकड़े नहीं है अभी के चित्र के मुताबिक। तीसरी बात कहूंगा कि अभी जो भी स्थिति है उसमें भी अगर पता नहीं पंकज जी का 47% कैसे आया है पुपल्स टीचर्स रेशियो, हमारे आंकड़े 63% बता रहे हैं 1:63। ये हमारे अपने नमूना का अध्ययन है, ये हमारे अध्ययन अपने नमूने के अध्ययन है विभिन्न जिलों का, वो आ रहे हैं 63 बड़ा है मेरा डाइस वाला। हाँ एग्जैक्टली इसीलिए मैं कह रहा हूं। और उसमें भी कई जगहों पर मैं जो पटना या हेडक्वार्टर से इर्द गिर्द है वहां पर मैं थोड़ी अच्छी स्थिति है, दूर दराज में जाएंगे तो 100% की स्थिति है, 1:100 या उससे भी ज्यादा की स्थिति है। तो विभिन्न जिलों के जो स्थिति है और भी भयावह है। हमारे 15 जिले बिहार के ऐसे हैं जहां 50% से कम लिटरेसी है महिलाओं की। तो अगर उनको अगर आप ठीक से देखें तो यह स्थिति और भयावह दिखती है, जबकि बिहार को अपने लिटरेसी में प्रगति के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर पर मिला है, काफी हम आगे बढ़े हैं तब हमारी वो स्थिति है। डिलीवरी सिस्टम हमारे बहुत खराब हैं, वो चाहे टेक्स्ट बुक पहुंचाने का हो या टेक्स्ट बुक के क्वालिटी डिलीवरी का हो या उस तरह से जो करिकुलम फ्रेमवर्क को आकर्षक बनाने का हो जिससे कि बच्चे वहां टिक सकें, ये एक आज भी चुनौती है। आप जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक अलग बहस का मुद्दा है कि क्यों बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, इस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। लेकिन जो सबसे अगर संक्षेप में भी कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि उनको आकर्षक माहौल मिले जिसमें कि वो पढ़ सकें ये उन्हें नहीं मिल रहा है। इसके कारण से ड्रॉप आउट की तादाद इवन एग्जिस्टिंग सेटअप में भी बहुत अधिक दिखता है। तो जो फॉर्मल ड्रॉप आउट है उससे अधिक ड्रॉप आउट आपको अंडर एस्टिमेटेड फ्रेम में दिखेगा, जो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं लाइन पर हैं। जब ये डीबीटी आज सरकार लागू करने जा रही है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जिसके तहत बाकी सुविधाओं का विस्तार होगा, बच्चे किताब बाजार से खरीदेंगे, मुझे नहीं पता कि वो किताब कहाँ छपेगी, कौन छापेगा, कहाँ बिकेगा, कैसे मिलेगा, किसके लिए ये बाजार बनाया जा रहा है, वो सुविधा की जा रही है, और उन किताबों के दर के हिसाब से चीजें कैसे बनेंगी वो एक अलग अर्थशास्त्र है फिर बाजार का। एक नया स्वरूप शुरू हुआ है जिससे एक्सक्लूजन बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं चिंता ये व्यक्त कर रहा हूं कि जहां एक तरफ हम कह रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे अधिक हैं, अगर आप बजट देखें जिस बजट की बड़ी तारीफ भी होती है कि शिक्षा पर बहुत बड़ी तादाद में खर्च की जा रही है, लेकिन उसको अगर आप ठीक से कैलकुलेट करें तो वो स्टेटस को बजट है। अभी तक शिक्षक जितने हैं उनकी ही तनख्वाह देने की स्थिति उस बजट से नहीं हो पा रही, अलग से शिक्षकों के नियुक्ति की संभावना दिख नहीं रही है। हमारे जो अभी के स्थिति के हिसाब से गैप है, यदि हम टीचर के आधार पर देखने की कोशिश करें कि कितने टीचर आज चाहिए, अगर पीटी की बात हम करें अभी के विद्यालयों के आधार में, तो जो गैप है वो 367,000। 15 मिनट हो गए, शुक्रिया। तो इसलिए मैं 3-4 बार समेट लेता हूं एक आध मिनट में, ये कहते हुए कि यदि शिक्षा के सवाल को बात करनी है तो 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। इस बाजार के दौर में जिस तरह से समाज बनाने की प्रक्रिया राज्य के पास है वो साफ दिखता है, इसलिए राज्य आधारित शिक्षा से जिस तरह से शिक्षा का समावेश होगा वो समावेशी शिक्षा के तरफ कतई नहीं जा रही। ये इसलिए समावेशी शिक्षा की बात अगर करनी होगी तो निश्चित रूप से सामाजिक दबाव के आधार पर ही हो सकता है, और कोई रास्ता बचता नहीं है। दूसरा, कई अच्छे अच्छे प्रयोग है, मैं बेगूसराय गया था, निशा जी शायद स्पष्ट तौर पर बताएंगी उस बेगूसराय का एक विद्यालय जहां पर मैं वो देखने लगे, दर्शनीय विद्यालय है कि समाज किस तरह से सहयोग करके सरकारी विद्यालय को पूर्ण सफलता के साथ चलाता है और एक अच्छा प्रतिमान इकट्ठा करता है जहां से अच्छी पढ़ाई
और अच्छे रिजल्ट निकल रहे हैं। तो ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके उसका अध्ययन करना चाहिए, तो शायद हमें आगे का रास्ता भी दिखेगा कि समाज की भूमिका कैसे हो सकती है और काम कैसे हो सकता है। और अंतिम बात कि शिक्षा कोई एक आइसोलेटेड फ्रेमवर्क नहीं है जिसे आप कुछ विद्यालयों को समझ के करें, कैसा समाज आप चाहते हैं और उस समाज के लिए शिक्षा किस तरह का होना चाहिए, उस शिक्षा के स्वरूप और उसके करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ अगर आकर्षक शिक्षा का स्वरूप जो दुनिया में कई प्रयोग हुए हैं, वो चाहे जापान के लें या और कई जगहों के प्रयोग हो सकते हैं, कोरोना यागी का प्रयोग है, चल कर रहा बताते हैं हम, कई जगह कई अच्छी अच्छी किताबें हैं हमारे पास, उनको भी अगर हम समाहित करें तो नए प्रयोगों के साथ, अमरीश भाई इन चीजों को जानते हैं बेहतरी से, तो उसके साथ अगर समग्रता से हम सोचें तो इस आउट ऑफ स्कूल को एक व्यापक फ्रेम दे करके हम विस्तार से एक समग्र शिक्षा प्रणाली की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें मौका दिया।